दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी कोशिका से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न बच्चों कहता है कि कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका बच्चों सही जवाब है प्रोटोप्लाज्म, डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, बिरकोव ने कहा था कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और चार नंबर प्रश्न बच्चों है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो कोशिका भित्ति का अभाव किसमें होता है। ऑप्शन आपके पास हैं, आवृत बीजी पौधे की कोशिका में, अनावृत बीजी पौधे की कोशिका में, या फिर सी ऑप्शन है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में। डी आंसर है उपरोक्त सभी। अब कह रहा है कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है किसमें, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखा जाए तो मनुष्य के किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो मनुष्य के अंतर या जीव जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, जबकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाँच नंबर, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं, तो ये बच्चों पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ किससे बनी होती हैं जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, राइबोसोम या फिर लवक। सही आंसर बच्चों हो जाएगा जीव द्रव्य जो है ये होता है जो आवश्यक जीवित पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सात नंबर, लिखा है कि प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या होता है। तो इसका बच्चों कार्य होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको याद कर लीजिए और कॉपी पर अपनी नोट कर लीजिएगा वन लाइनर के रूप में। आठ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो नीला हरा शैवाल, आवृत बीजी की जड़ की कोशिका, अनावृत बीजी की तना की कोशिका, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है नीला हरा शैवाल, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में होती है। तो पादप कोशिका में बच्चों कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए वो जंतु कोशिका से अलग हो जाती है। दस नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह बच्चों डीएनए के द्वारा होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मानव के केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न आप सभी को जरूर आता होगा। ऑप्शन है एक, 23, 44 या फिर 46। तो राइट आंसर बच्चों है 11 नंबर का डी आंसर, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर श्वेत रक्त कोशिका। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्मतम कोशिका है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है बताना है। तो सबसे छोटी बच्चों कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक, सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकी जीव है? ऑप्शन है आपके पास जीवाणु, अमीबा, पैरामेशियम या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति हो सकती है। तो बहुकोशिकीय जो शरीर होता है, जैसे मान लो मनुष्य का शरीर है या जीव जंतुओं का शरीर होता है, वर्तुलाकार उसमें होती हैं या फिर घनाकार या फिर स्तंभाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में ये सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है, केंद्रक, माइटोकांड्रिया, हरित लवक या फिर राइबोसोम। सही आंसर है माइटोकांड्रिया, ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका रस होती है, तो कोशिका रस होती है कोशिका के निस्राव, कोशिका द्रव्य में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर रसधानी में खनिज एवं अकार्बनिक पदार्थों का पतला घोल, या फिर डी ऑप्शन है पादप द्वारा मृदा से अवशोषित पानी में खनिजों का पतला घोल। तो सही आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल कोशिका रस होता है। 17 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ग्रेनम किसका घटक है? तो ये बच्चों होता है हरित लवक का, जिसको पर्णहरिम कहते हो, क्लोरोफिल कहते हो, इसका एक घटक होता है ग्रेनम। इसके बाद आप सभी को अगर पता हो तो आप लिखिएगा वेनम किसे कहते हैं, वेनम, जैसे ग्रेनम होता है उसी प्रकार से वेनम, तो वेनम क्या होता है आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, अगुणित गुणसूत्र संख्या नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है? ये बच्चों प्राथमिक शुक्र कोशिका में नहीं होती है, बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है, तो जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? अंडक, मायोजीवाणु, जनन कोशिका या फिर अर्धसूत्री कोशिका। तो यहाँ पर आप देखो लिखा है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री कोशिका कहलाती है, डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? सबसे अधिक बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ऐसी जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्ली बद्ध नहीं होती। तो ये बच्चों सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्ली बद्ध नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होता है। 22 नंबर प्रश्न है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक क्या है? विभज्योतक, हरित ऊतक, दृढ़ ऊतक या फिर मृदु ऊतक। सही आंसर बच्चों है विभज्योतक, ये नई कोशिकाओं को बनने के लिए क्या है काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर है, क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, वाल्डेयर, क्रिक ने, वाटसन ने या फिर मेंडल ने। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा वाल्डेयर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, यूकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, गुणसूत्रों के रूप में, आरएनए के रूप में, राइबोसोम के रूप में या फिर प्रोटीन के रूप में। तो जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें गुणसूत्रों के रूप में ये आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं? तो पादप कोशिकाओं की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है और धानियाँ भी पाई जाती हैं, तो डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस कोशिका लेसन से संबंधित जो भी आपके 25 प्रश्न थे उसको हमने हल करा दिया है। अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उत्तरमाला के साथ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो के बाद आप सभी का सामाजिक विज्ञान का वीडियो होने वाला है 7:30 बजे की लाइव क्लास में, आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।